हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बिल्कुल बढ़िया से होंगे। और अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30। हाँ बेटा, आई यस्सू बुला रही है, एक सेकंड रुकना। तो जी आज यस्सू अभी सो के उठी है, और उठते ही मम्मा कार्टून ला दो ना। और इसकी खांसी है, जुकाम तो फिर लगभग ठीक हो गया, लेकिन खांसी अभी ठीक नहीं हुई है इसकी। ठीक है बेटा, अभी आती हूँ मैं। तो जी आज मैं बनाने वाली हूँ जो मूली होती है ना, उसकी सब्जी। तो चलिए चेक करते हैं। जो मूली के पत्ते, मतलब मूली की भुजी बनाने वाली हूँ। ये पत्ते कुछ ऐसे हैं, तो मेरा बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे इनमें कीड़े हों, और जैसे ज़रा गौर से देखती हूँ ना, तो बिल्कुल बारीक बारीक से कीड़े भी नज़र आ रहे हैं मुझे। मतलब कि वो क्या बोलते हैं, और छोटे छोटे कीड़े होते हैं अलग से, आपको नहीं दिखाई देंगे शायद इसके अंदर, लेकिन चलते हुए वाइट कलर के दिख रहे हैं, इसलिए मैं ये नहीं बनाऊंगी। इसमें छेद भी हो रहे हैं काफ़ी। और ये एक काम करती हूँ, ये मूलियाँ होती हैं ना, ये धो लेती हूँ, और इनके पराठे बन जाएंगे बाद में। नहीं तो भाई, सब्जी तो दूसरी ट्राई करनी पड़ेगी, अभी ये तो ख्याल छोड़ना पड़ेगा मूली वाला। तो क्या है कि खेतों वाला इलाका है ना, तो यहाँ मूली आसानी से मिल जाती है। इधर जो पड़ोस में जो आंटी जी है ना, उनका खेत है, वो बाड़ा होता है, मतलब ये सारी मूली वूली उनको हटानी थी वहाँ से। तो उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि दीदी आज मैं मूली लेके आऊँगी, तो ले लोगे क्या? तो मम्मी ने कहा ये अच्छी बात है, खेत की मूली है नहीं, ताज़े ताज़े पानी की, अच्छे पानी की। तो मम्मी ने हाँ कर दिया था, और अब देखा तो फिर ऐसी मूली आई है। मूली तो ठीक है, पत्ते ख़राब हैं तो इनको छोड़ देंगे। और अभी मैं घिया बना लेती हूँ, घिया बनाऊँगी तो ठीक रहेगा मम्मी के लिए भी। भुज्जी वाला प्लान कैंसिल करते हैं। और भाभी जा चुकी हैं, तो घर में मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, सारा घर खाने को दौड़ता है, मतलब सब सूना सूना हो गया है। एक इंसान के मतलब इतना ज़्यादा करीब हो जाते हैं ना, अब साल भर हो जाएगा शादी को, लेकिन इतना ज़्यादा जुड़ाव हो जाता है कि मन ही नहीं करता कहीं भेजने को उन्हें। तो अब वो गए तो हैं भाई, मम्मी से मिलना भी ज़रूरी था। और फिर क्या है कि मैं चली जाऊंगी तो मम्मी के पास वो मतलब कोई तो होना चाहिए ना इधर। अब भाभी मायके फिर नहीं जा पाएंगे मम्मी को छोड़ के, और फिर उसके बाद में जो डिलीवरी टाइम होता है वो पास आ जाएगा, तो सही नहीं रहता फिर उस टाइम पे भी जाना नहीं। तो इसीलिए भाभी ने कहा कि मैं चाहे एक दिन एक बार मिल के आ जाती हूँ मम्मी से। ज़्यादा दिन तो उनका भी मन नहीं लगता, एक बार मतलब ससुराल में आ जाती है ना बेटी, फिर जाने का मन नहीं करता। तो भाभी का भी, तो फिर भाभी कहती मैं बस एक दो दिन रुक के आ जाती हूँ, और फिर मतलब थोड़ा तसल्ली हो जाएगी कि हाँ भाई अपनी मम्मी से मिल ली। तो भाई छोड़ आया था, और अभी आई बेटा, अभी आ जाएंगे वो, उसके बाद मेरे जाने का टाइम हो जाएगा। लो लो, जाओ यूट्यूब के संग बदलाव की सीटी बजाओ। नहीं तो इसलिए भाभी को अभी जाने दिया। कोई बात नहीं, अपने दिल पे पत्थर रख लिया। नहीं तो मैंने सोचा था जब तक मैं रहूंगी तब तक भाभी भी को भी यहीं रहना होगा, क्योंकि मेरा मन नहीं लगता अभी यहाँ पे। ये भाई हैं बस, खाली ये अपना काम करते रहते हैं। यस्सू है, ये भी बेचारा कितना खेले, या तो कार्टून देखती रहती है या फिर मम्मी के साथ खेलती है। ये छुपम छुपाई दोनों माँ बेटी लगी रहती हैं, मतलब मेरी मम्मी और यसु, कभी छुपम छुपाई, कभी कुछ कभी कुछ, धीरे धीरे। और मैं दवाई ले रही हूँ, फिर भी ये जो गले खराश है ये जा ही नहीं रही। तो जी, दो चिड़िया आ गई गलती से, एक तो चली गई बाहर और दूसरी वाली है, इसको रास्ता नहीं मिल रहा। तो मैं इसके लिए गेट खोल देती हूँ, देखिए ऊपर बैठी है गेट के ऊपर, कि कोई खोल दे तो चली जाए। मैं खोलती हूँ, एक बार उड़ गई है, घर के अंदर चक्कर काट रही है बेचारी, परेशान हो रही है, डर रही है। मैं एक बारी खोल देती हूँ ना तो वो उड़ जाएगी, देखते हैं अभी क्या वो दिमाग लगा पाएगी। कहाँ गई? देखो ये रही, अरे इसको लग जाएगी। अरे कमरा मत जा, और अंधेरे हो है उसमें, तो अपने आप चली जाएगी ना मम्मी। हाँ गई गई, शायद तक तो गई, वो बैठी।
अपने आप चली जाएगी शायद, इसको अब रोशनी दिखाई देगी ना, उधर तो रोशनी दिख रही है। ये देखो अपने घर वालों को बुला रही है। यहाँ पे दूध हो चुका है और मम्मी ढकना भूल गई दूध को, मैं ढक देती हूँ। मैं नहाने चली गई थी जिस वजह से मम्मी को खड़ा करके गई थी यहाँ पे। ठीक है, उसको नहीं मिला है अभी घर। तो जी यहाँ की सब्ज़ी मेरी कट हो चुकी है, ज़्यादा सब्ज़ी नहीं बनाएंगे, सिर्फ थोड़ी सी सब्ज़ी बनती है ना तो लग जाती है, मतलब सब खप जाती है, लेकिन ज़्यादा बना के छोड़ देते हैं तो वो कोई खाने वाला भी नहीं होता। और घिया मतलब सबको पसंद भी नहीं है ये, खाली मजबूरी में, क्योंकि मम्मी को घिया अच्छी रहेगी शरीर के लिए, मम्मी की सेहत के लिए, ये जल्दी पच जाती है ना, और बिल्कुल कच्ची है ये घिया। तो थोड़ी सी मैंने बना ली है, मतलब ये काट ली है, और अब इसको छौंक लगा देती हूँ। सब्जी में खाली मैंने टमाटर डाला है और हींग का तड़का है इसमें, और कुछ भी नहीं, खाली नमक मिर्च और हल्दी, उसके अलावा और कुछ भी नहीं डालना, क्योंकि सिंपल सादी सब्जी ही मम्मी को सूट कर रही है फिलहाल। अगर कुछ भी हम एक्स्ट्रा में मिर्च मसाला डालते हैं ना, या लाल मिर्च डालते हैं, लाल मिर्च भी नहीं डालते, खाली जो हरी मिर्च होती है वही मम्मी को दे रहे हैं फिलहाल, ताकि मम्मी को कोई परेशानी ना आए। जी दो चिड़िया आ गई गलती से, एक तो चली गई बाहर और दूसरी वाली है, इसको रास्ता नहीं मिल रहा, तो मैं इसके लिए गेट खोल देती हूँ। देखिए ऊपर बैठी है गेट के ऊपर, कि कोई खोल दे तो चली जाए। मैं खोलती हूँ, एक बार उड़ गई है, घर के अंदर चक्कर काट रही है बेचारी, परेशान हो रही है, डर रही है। मैं एक बारी खोल देती हूँ ना तो वो उड़ जाएगी, देखते हैं अभी क्या वो दिमाग लगा पाएगी। कहाँ गई? देखो ये रही, अरे इसको लग जाएगी। अरे कमरा मत जा, और अंधेरे हो है उसमें, तो अपने आप चली जाएगी ना मम्मी। हाँ गई गई शायद, तक तो गई, वो बैठी, अपने आप चली जाएगी शायद, इसको अब रोशनी दिखाई देगी ना, उधर तो रोशनी दिख रही है। ये देखो अपने घर वालों को बुला रही है, अपने चली जाएगी, मैंने गेट खुला छोड़ दिया। और यहाँ पे दूध हो चुका है और मम्मी ढकना भूल गई दूध को, मैं ढक देती हूँ। मैं नहाने चली गई थी जिस वजह से मम्मी को खड़ा करके गई थी यहाँ पे। ठीक है, उसको नहीं मिला है अभी घर। यशु हम कहाँ पर आए हैं बेटा? यशु रावण देखने आई है। कितने रावण हैं बेटा? घर मत जाना, दिक्कत आ रहे हैं। देखो ये इसकी फ्रेंड बहन भी आई है गोलू, और इसका फ्रेंड है ये भी आया हुआ है, और ये गोलू यशु है। हम वेट कर रहे हैं रावण का। देखो रावण उस तरफ पुतले लगे हुए हैं। तो जी कल यस्सू के पापा ने आके एकदम से सरप्राइज़ दे दिया हमें। क्या है कि इन्हें कोई स्कूल में काम था कल के दिन, जो पहले वाला स्कूल था इनका उनमें, तो ये वहाँ गए हुए थे और अचानक से फिर ये इधर भी आ गए। और फिर यस्सू तो आपको पता ही है, पिछली बार भी कितना ज़्यादा बिरच गई थी इनको देख के, कि मेरे को घर पर ही जाना है, घर पर ही जाना है। तो कल भी कुछ ऐसा ही हुआ और फिर ये यस्सू को ले गए। और देखिए शाम को इसको दशहरा भी दिखा के लेके आए, रावण दहन था ना वो भी। और पता है यहाँ पे चार मतलब रावण दहन के टाइम पे मेघनाथ, कुंभकर्ण और रावण का दहन होता है ना, इसके अलावा हमारे इधर अब की बार कोरोना का भी दहन किया गया। तो भगवान बस ये जल्दी से फटाफट से कोरोना चली जाए, और जैसे हमेशा होता है ना, बुराई पे अच्छाई की जीत होती है, तो इसी कामना के साथ में आज के व्लॉग की जो हम हैं वो एंडिंग करते हैं। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़
लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब पक्का से कर देना। आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, लाइक करना भी भूल जाते हो। कई बार मैंने खुद ने नोटिस किया है कि आप लोग मुझे बोलते हो कि दीदी हम लाइक करना भूल जाते हैं। नहीं तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब पक्का से कर देना चैनल को और कमेंट करके